नमस्कार दोस्तों, टॉप क्रिकेट कुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शैलेश ठाकुर आज आपसे बात करूंगा हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में। सचिन तेंदुलकर और गुंडप्पा विश्वनाथ ने भी हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इस शॉट को बहुत अच्छी तरीके से खेला है। इसलिए जब भी हेलीकॉप्टर शॉट का नाम आता है तो हम उसका क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को ही देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बैकफुट पर हेलीकॉप्टर शॉट कैसे खेलते हैं ये सिखाऊंगा। ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप के बाहर गिरने वाली गेंदों पे शॉट खेलेंगे। गेंद की लेंथ फुल लेंथ या यॉर्कर लेंथ एरिया में होगी तभी इस तरह के शॉट खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लेग स्टंप पर आने वाली गेंदों पर हेलीकॉप्टर शॉट नहीं खेल सकते, लेकिन आप सीखते वक्त अगर लेग स्टंप पर आने वाली गेंद तो कोशिश करेंगे तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। मैं वापस बोलता हूँ, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। और इसकी टेक्निक भी थोड़ी सी अलग है। अब आप हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए किस तरह से बैट पकड़ेंगे ये देखिए। मैंने मेरे पिछले वीडियो में 6 रन बनाने वाली बैट किस तरह से पकड़ते आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ कि बैट को किस तरह से पकड़िए और इस हाथ को इस तरह से घुमाइए तो ये आपकी 6 रन बनाने वाली बैट की तरह पकड़ हो गई। अगर आप इस तरह के बैट पकड़ेंगे तो हेलीकॉप्टर शॉट खेलना आसान हो जाएगा। इसे सीखने के लिए हम 360 डिग्री शॉट भी कह सकते हैं। इसका कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपने इसका कारण समझ लिया तो आपका हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का 50% काम हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, जब भी कोई बैट्समैन हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश करता है तो बैट को अपने सर के ऊपर लेके जाता है और यहाँ से जब वो स्टार्ट कर देता है तो बैट नीचे आते वक्त गेंद को हिट करने के बाद बैट की स्पीड की वजह से फिर से ऊपर उठना चालू कर देती है और जिस एरिया से उसने चालू की थी स्टार्ट उसी एरिया में जाके खत्म हो जाती है। तो ये जो पूरे राउंड की तरह बैट घूमी है, मतलब एक सर्कल बन गया है बैट का घूमने का, तो इसी की वजह से उसको 360 डिग्री कहते हैं। क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जो सर्कल का एरिया रहता है उसको 360 डिग्री कहते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि अगर आपको हेलीकॉप्टर शॉट खेलना है तो आपके बैट को भी इस तरह से घूमना होगा। अगर आपकी बैट इस तरह से 360 एंगल में घूमी नहीं तो फिर आपका हेलीकॉप्टर शॉट नहीं होगा। देख लीजिए दोस्तों, जब भी आपको हेलीकॉप्टर शॉट खेलना है तो आप बैट को ऊपर तक उठाएंगे, फिर बैट को ऊपर उठाते वक्त जब नीचे हिट करेंगे तो अपना ये पैर भी थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। मतलब जब गेंद को हिट करेंगे और पैर उठने का जो टाइमिंग रहेगा वो स्मूथली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैर एक बार उठ गया, गेंद अलग बार हिट हो गई, तो वो दोनों का कोऑर्डिनेशन बीच में एक दूसरे से मिलना चाहिए तभी वो शॉट अच्छी तरह से हो जाएगा। दोस्तों ये लेफ्ट पैर कितना ऊपर उठाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं या गेंद की लाइन और लेंथ जिस तरह से अलग होगी उस तरह से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पैर को ऊपर उठना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों दो बातें आप समझ लीजिए, एक तो अपनी बैट 360 डिग्री में घूमनी चाहिए और दूसरा कि जब भी हम हेलीकॉप्टर शॉट खेले तो एक स्मूथ मोशन में लेफ्ट पैर भी ऊपर उठना चाहिए। अब हमारा 50% काम हो गया है। अब हम कुछ दिन इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम परफेक्ट हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, मैंने कहा था कि बैट को 360 घुमाना है, तो अगर हम सिर्फ 360 बैट को घुमाते रहेंगे तो फिर इस शॉट का नाम 360 भी हो जाता। लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने पहली बार सिर्फ 360 को घुमाने को बोला था। लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट में क्या होता है, बैट 360 घूमने के बाद, मतलब इस तरह घूमने के बाद फिर वापस पीछे चली जाती है। कुछ बैट्समैन इतनी लेके जाते हैं तो कुछ बैट्समैन इतनी लेके जाते हैं या कुछ बैट्समैन इस तरह से लेके जाते हैं, तो जितनी बैट की स्पीड रहेगी उतनी वो बैट पीछे निकल दी जाएगी। जितनी बैट की स्पीड उतना ज्यादा अच्छा शॉट, उतने ज्यादा अच्छे रन, और जितनी बैट पीछे जाएगी उतना शॉट खूबसूरत दिखेगा। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से ये शॉट खेला जा सकता है। दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि जब बैट 360 घूमने के बाद जब पीछे चली जाएगी तब वैसे हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस करती जाएगी, मतलब हमें जमीन पर थोड़ा सा झुकाव महसूस होगा। मतलब जितनी पीछे जाएगी उतना हमें इम्बैलेंस ज्यादा होगा, जितनी पीछे जाएगी उतना ज्यादा इम्बैलेंस होगा। फिर वो बैलेंस करने के लिए हम अपना जो लेफ्ट पैर उठाया था उससे एडजस्ट करेंगे या फिर आप हम अपनी जगह छोड़ के थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, उससे वो शॉट पूरी तरह ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप हेलीकॉप्टर शॉट सीख जाएंगे, तब आप फ्रंट फुट पर आकर भी हेलीकॉप्टर शॉट लगा सकते हैं या दोनों पैरों का इस्तेमाल करके भी ठीक तरह से आप हेलीकॉप्टर शॉट लगा सकते हैं, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू।